नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं आलू नान। वो भी बिल्कुल तवे पे बनाएंगे, झटपट से बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है और आधा कप गेहूं का आटा लिया है। दोनों मिक्स करके हम बनाएंगे। आप चाहें तो केवल मैदा या आटे से बना सकते हैं। 1 कटोरी यहाँ पे हमने दही लिया है, चीनी लिया है, नमक लिया है, 2 चुटकी बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 1 चम्मच इसमें तेल डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको हम डो लगा करके तैयार करेंगे। डो बिल्कुल नरम होना चाहिए, हमें रोटी से थोड़ा सा नरम डो चाहिए इस नान को बनाने के लिए। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, तब तक इसकी हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो आलू को हम मैश कर लेंगे। यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ प्याज हमने डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दिया काट के, धनिया का पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं या अमचूर का पाउडर डाल सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा तेल डाल करके और मसल करके चिकना कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी लोई तैयार करेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा हाथ में लगा लेना है और इसकी हमने देखिए 4 लोई तैयार की है। इसी तरह से बाकी की लोई तैयार कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये देखिए हमने इसमें लोई में सूखा आटा लगा लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे। तो ये देखिए हमने रोटी जैसा बेल लिया है इसको। अब इस पे थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे इस तरह से। देखिए चारों तरफ से अच्छे से तेल से हमने ग्रीस कर लिया है। थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा छिड़क दें इसके ऊपर और अच्छे से इसको फैला दें। इसके बाद दोनों तरफ दोनों साइड से मोड़ दें। इसके बाद थोड़ा सा तेल और लगा लें। इसके बाद इसको मोड़ देना है, दोनों तरफ से फोल्ड कर दें। इसके बाद फिर से इसे हमें बेलना है, जैसे हमने पहले रोटी की तरह बेला था उस तरह से। तो ये देखिए जो आलू का मसाला हमने तैयार किया है, बस इस पर हम भर देंगे। देखिए हमने ढेर सारा आलू की स्टफिंग ली है, क्योंकि नान जो है थोड़ा आलू रहता है तभी अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे इसके ऊपर। पहले हाथों से हम इस तरह से फैला लेंगे चारों तरफ से। इसके बाद थोड़ा सा हम बेलन से इसको हल्का सा बेल देंगे। ये देखिए हमने इसको बेल लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे, तेल या पानी कुछ भी आप यूज कर सकते हैं इस वक्त। अब इसके ऊपर डालेंगे हम कलौंजी यानी कि मंगरेल और इसके बाद डालेंगे सफ़ेद तिल इस पर और हरा धनिया बारीक कटा हुआ और इस पर से थोड़ा सा हम सूखा आटा लगा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए और इसको थोड़ा सा हम दबा देंगे। चलिए इसको सेक लेते हैं। तो सेकने से पहले फ्रेंड इसमें नीचे के साइड जिस में थोड़ा सा पानी लगा करके इसको ग्रीस कर लें, गीला कर लें और उसी साइड से तवे पर डालें। अब इसको हम जब सीख जाएगा तो इसके बाद इस तरह तवा को हम आँच पर रखेंगे, घुमाते हुए इसको थोड़ा सा सेक लेना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं आलू का तवा नान तवा पे नान बना रही हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं सेक रही हूँ इसको। अब इसके ऊपर से हम घी डालेंगे और उलटते पलटते दोनों साइड इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। जैसे हम पराठा सेकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसको सेक लेंगे। ये बिल्कुल पराठे की तरह फ्रेंड, लेकिन इसमें हमने दही का इस्तेमाल किया है, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, इसलिए थोड़ा सा ये
आपको अलग स्वाद का लगेगा। इस तरह से देखिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा देखने में भी लग रहा है, खाने में तो टेस्टी लगेगा ही। इसको क्रिस्पी होने तक हमें अच्छे से सेकना है, बिल्कुल कच्चा ना रहे। बिल्कुल रेडी हो गया है तो इसको निकाल लेती हूँ। इसी तरह से बाकी नान को सेक करके हमें तैयार कर लेना है। पहले आग पे थोड़ा सा सेक लें, इसके बाद इसको उलट पलट कर घी लगा करके सेक लेना है। तो ये लीजिए, आलू नान तैयार हो गया है, बिल्कुल बढ़िया बना है, बिल्कुल बाजार जैसा फ्रेंड। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में हमें बताएं कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।